ज़िंदगी यादों का एक नाम है, अपनी मामूली सी मसरूफ़ ज़िंदगी से वक्त निकाल कर मैंने आज का दिन यादों के नाम लिख दिया। ये सफ़रनामा है कैरियर कॉलेज अस्तबाल। पाकिस्तान के दारुलहुकूमत इस्लामाबाद से 60 किलोमीटर की दूरी पर वाकई कैडेट कॉलेज हसनबाद तक पहुंचने में एक घंटा डेढ़ लगते हैं। खैर, सफ़र का इतना पता नहीं लगा क्योंकि मैं भाई से मिलने के लिए खुश था। मुझे लगता है कि ये फजूल की बातें हैं, तो आए आपको अपने मतलब की चीज़ दिखाते हैं। वेलकम टू कैडेट कॉलेज। बात जब कैडेट कॉलेज की जाए और उसके फाउंडर की जिक्र ना किया जाए तो बात मुकम्मल नहीं। ये कॉलेज सब कॉन्टिनेंट के नाम पर एजुकेशनिस्ट कैचपोल ने बनाया। कब्र की मेंटेनेंस देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई क्योंकि आजकल की दुनिया में अजीम लोगों की कदर नहीं की जाती। इसी महान एजुकेशनिस्ट ने दीगर तालीमी इदारे बनाए, एबटाबाद पब्लिक स्कूल, रश्तरिया इंडियन मिलिट्री कॉलेज, PF कैडेट कॉलेज, कैडेट कॉलेज हसनबाद। वैसे तो सर कैचपोल पर फिल्म बननी चाहिए, लेकिन ये है ब्लॉग, तो आए कॉलेज की तरफ। ये यहाँ पे ऑर्चर्ड एरिया है, यहाँ पे दरख्तों की प्लांटेशन करते हैं। अर्थ डे पे यहाँ पे 2-3 दरख्त हर साल प्लांट करते हैं। सुन लिया होगा आपने, हर साल यहाँ पर दरख्त प्लांट करते हैं 2-3, है ना? हाँ, तो बड़ी फिट जगह है। हर ये स्क्वाश कोर्ट है यार, दिखाता हूँ आपको मैं। अंदर जा नहीं सकते। और वो क्या है, बैंड एंड म्यूजिक क्लब, वो भी बंद है, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। और इस वक्त अभी ये है इस कॉलेज का सबसे सेक्रेट ग्राउंड, यहाँ पे कोई कदम नहीं रख सकता ओवल, लेकिन आज आखिरी दिन है चुके हैं, इसलिए सारे आ रहे हैं। थोड़ी सी इज्जत मिल रही है क्योंकि आखिरी दिन है, वरना तो यहाँ पर नहीं छोड़ते वो। मैं दिखाता हूँ आपको। ये ओवल ग्राउंड है, ये कैडेट कॉलेज का सबसे प्यारा और अच्छा ग्राउंड है, और यहाँ पर वैसे किसी को नहीं छोड़ते, लेकिन ये आखिरी दिन है आज, इसलिए आपको बच्चे नज़र आ रहे होंगे। और ये स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल भी अभी बंद है, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाता। तो बस अच्छा, इस ओवल के इर्द गिर्द 6 विंग्स हैं, तीन साइड पर, और यहाँ पर स्विमिंग पूल है, और यहाँ पर वो जो दिखाया था आपको वो है, और मैं थोड़े विंग्स के आपको भी शॉर्ट्स दिखाता हूँ आज। मैं मेस आ चुका हूँ, और यहाँ पर 3 विंग्स यहाँ पर बैठते हैं ना, और 3 यहाँ पर बैठते हैं ये लगे हुए झंडे, और ये बी डाइट रूम में यहाँ पर मोटे अफराद बैठते हैं, थोड़े से मोटे लोग, तो ये उनके लिए करते। यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स बैठते हैं जो बड़े वाले लोग होते हैं, यहाँ पर खाना बनते हैं, और यहाँ पर खाना खाते हैं। कैचुअल लोग यहाँ ऑफिस है सर, क्लब है सर। ठीक है, ये मेरा भाई है और गाइड भी है मेरा। हाँ, घूम के चलना है कि नहीं? नहीं नहीं, जल्दी चलना है यार, हम घूम के वो रास्ता क्लियर करेंगे। ओके, और ये कौन सा ब्लॉक है?
कैशफुल लॉक है वो स्टाफ रूम है। अच्छा वो स्टाफ रूम है। ये एंडियसन स्क्वायर है, ये यहाँ पर ड्रिल होती है, यहाँ पर ड्रिल होती है, परेड परेड यहाँ पर होती है। सही क्लासेस, ये क्लासेस हैं। ओके ओके ओके। और वो कैशफुल लॉक में क्या होते हैं? आज मेरे भाई और उसके 100 और क्लास फेलोज का आखिरी दिन था। सारे दुखी नजर आ रहे थे और बड़ा अजीब सा समा था। आपको उन्हीं से सुनवाते हैं। हाँ यार, बस 5 साल गुजरे। पहला साल तो कुछ पता ही नहीं था, गुजर गया। दूसरे साल रगड़ा ही खाते रहे, रगड़े में टाइम गुजर गया। लेकिन रगड़े से बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छे सीनियर्स मिले, सीनियर से बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी सीनियर से। इसके अलावा जूनियर्स को भी बहुत कुछ सिखाया, कॉलेज ने बहुत कुछ दिया है। कॉलेज जाने से पहले एक और रूटीन थी, कॉलेज में आके सब कुछ चेंज हो गया, बड़ी अच्छी चीज़ें सीखी, बहुत बुरी चीज़ों से बचत हुई है। और कॉलेज में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, पढ़ाई भी हुई है, सब कुछ हुआ है। आना चाहिए किसी को यहाँ पर? किसी को आना जरूर आना चाहिए। अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। मैं तो कहता हूँ कि हर किसी को यहाँ आना चाहिए, सबसे बेस्ट फ्यूचर यहाँ पे बन सकता है, अगर बंदा खुद जो है ना अपना फ्यूचर बनाना चाहे तो। ओके साइन ऑफ। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। ये माजिद भाई यार, ये केयर कॉलेज के डॉन है, ये आपको थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। 5 साल कॉलेज के 5 साल बहुत मस्त गुजरे हैं, बहुत मस्त, बहुत इंजॉय किया, दोस्त बने, नए दोस्त बने, दोस्तों के साथ शोल वगैरह लगाया। 5 साल पहला साल 8वीं में आए, इतना कोई जानने वाला था ना उस तरह, बिल्कुल एक स्ट्रेंजर थे एक किस्म के। यहाँ पे अच्छे दोस्त बने, एक दूसरे से मिलते रहे जुलते रहे, रगड़ा खाया साथ मिल के। वही जितना रगड़ा खाते रहे, जितना टाइम गुजरता रहा, उतना ही जो हमारा बॉन्ड था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहा। और एंड में यही है, 5 साल थे एक चुटकी में गुजरे आपके सामने आज। अभी दुख हो रहे जाते रहे, दुख हो रहे, दुख तो हो रहा है, एक दूसरे को देख रहे, मिल रहे, कोई रो रहा है, हम भी रोए खैर, लेकिन अब सही हो गए। दिख तो होता है कि देखें भाई, 5 साल जिनके साथ गुजारे हैं, के साथ फिर ये जो 100 बंदे हैं एक साथ कभी भी इस तरह इकट्ठे नहीं होंगे। दैट्स ऑल। कॉलेज में अगर चांस मिले किसी को तो ज़रूर आना, ज्वाइन करना कॉलेज, बेस्ट जगह है यहाँ। अगर इस वीडियो को अच्छा फीडबैक मिला तो मैं इंशाल्लाह दूसरा पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी डिटेल्स मिसिंग है। और अगर अच्छा फीडबैक नहीं मिला तब भी मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि दिस प्लेस डिजर्व्स बेटर। और अगर किस्मत ख़राब रही तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर बॉयज़ एंड गर्ल्स, बाय बाय।